Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. अभी के टाइम में अगर आपने परपेसिटी एआई का नाम नहीं सुना है तो आई डोंट थिंक सो आप इस दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सर्च इंजन के मामले में गूगल को डायरेक्ट टक्कर दे रही है, एंड गूगल इज़ आल्सो अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि बेसिकली इसका सर्च करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एआई इफेक्टिव है, जिसकी वजह से हम लोग का काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो आओ पहले इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे पूछा, आर मिलिट्री हेलमेट्स इफेक्टिव? उसके बाद ये अंडरस्टैंड करता है उस क्वेश्चन को, उसके बेसिस पे ये सोर्सेज निकालता है, और सोर्सेज कैन बी वेरिंग कि आप जितना चाहो उतना सोर्सेज ले सकते हो, एआई को जितना अच्छा लगेगा वो उतना सोर्स लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने अभी यहाँ पे 20 सोर्सेज पे रन किया है, और उसके बाद हम लोग को एक आंसर इसने जनरेट करके दिया है कि दिस इज़ द एआई आंसर, एंड ऑल्सो दिस आंसर कंटेन साइटेशन। साइटेशन इज नथिंग बट वो सोर्स जिसने वो डाटा एक्सट्रैक्ट किया, उस बेसिस पे उसने उस सोर्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट जो है इतना से इतना का, इसमें इसने फर्स्ट साइटेशन जो है मतलब फर्स्ट सोर्स जो है उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है इसमें इसने थर्ड साइटेशन का यूज़ किया है, एंड सिमिलरली बाकी के जो चीज़ें हैं वो इसने और भी कहीं कहीं से उठाया होगा, बट उसने हर जगह का मेंशन नहीं किया। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनली जो है एक रिलेटेड नाउ एक टैब खुलता है, इसमें कि आपका बेसिकली उसने क्या क्या सर्च किया और आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्च करने की, उसके थ्रू वो जनरेट करके देता है आपको सिमिलर क्वेश्चन। दिस ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम एआई, दिस पार्ट ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम एआई, जस्ट दिस इज द पार्ट वेयर एआई डजंट वर्क। यहाँ सोर्सेज का जो पार्ट है यहाँ पे आपका बेसिकली अनबायस्ड रहता है, आपने जो क्वेरी डाली सिमिलरली वहाँ पे वो क्वेरी जो है ट्रांसफर हो जाएगी और वो गूगल पे सर्च होगी, गूगल बिंग जहाँ चाहो आप जिसकी भी एपीआई यूज़ करोगे वहाँ पे आपको जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा सोर्स के थ्रू। तो जैसा ही आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसका हम लोग अभी पहले बैकएंड समझ लिया, हम लोगों ने फ्रंटएंड पे भी काम करेंगे पर पहले हम लोग बैकएंड समझ लेते हैं ताकि हम लोग को इजी पड़े। तो चलो इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कोड कैसे काम करेगा, तो आओ इसको समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे गूगल की कोई भी वेबसाइट्स APIs, कि आप चाहो तो गूगल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो सर्पर यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो बिंग यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली अपॉन यू। कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं, कुछ में रेट लिमिट्स होता है। आप चाहो तो वोटेक्स की जो वेब स्काउट API है वो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग उस API पॉइंट को हिट करेंगे, उसके एंड पॉइंट को। उसके बाद फिर हम लोग जो डेटा है उसको एक JSON फॉर्मेट में अच्छे से हम लोग उसको फॉर्मेट करेंगे ताकि वो हम लोग यूज़ कर सके, उसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके सिमिलरली। उसके बाद जो हम लोग का डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उस रिस्पांस को हम लोग AI मॉडल में डालेंगे अलॉन्ग विद द कंटेक्स्ट ऑफ द JSON फॉर्मेट, कि क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या उसका कंटेक्स्ट है, किस बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और आप चाहो तो रैक का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास लॉन्ग कंटेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन अगर आपको करना है। लॉन्ग कंटेक्स्ट मतलब मान लो अब आप बोलते हो उसको कि वो कोई डॉक्यूमेंट सर्च करे, मतलब कह लो कोई डॉक्यूमेंट सर्च मतलब वही हो गया ना कि आप कोई स्पेसिफिक पेपर का आप कह लो कि रिसर्च पेपर है उसको सर्च करने बोल रहे हो, इन दैट केस अपने को रैक की ज़रूरत पड़ेगी। वरना हम लोग जो API यूज़ करने वाले हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट आपको मेन वैल्यू जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देती है, बाद में आपका AI जो है उतना बेसिस पे वर्क कर सकता है। कोई भी मॉडल का इतना लिमिट होता है कि बेसिक सर्च इंजन क्वेरीज जो है वो समझ सके। अनटिल एंड अनलेस आप यूज़ नहीं करते हो सर्च पेपर क्वेरी का, तब तक आपको यहाँ पर रैक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कम्प्लीटली अपॉन यू, आपका मॉडल का फालतू का टाइम लगेगा क्योंकि जो रैक करने का तरीका है दैट इज़ नॉट फ्री, इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स रिसोर्सेज। सो फ्री नहीं मतलब फ्री है पर उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर लॉन्ग कंटेक्स्ट आपके पास ना हो, शॉर्ट कंटेक्स्ट में उसको करने का कोई तुक नहीं बनता, टाइम टेकिंग है, बकवास है। तो अब देखो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इसको अपना डेटा फीड कर देंगे अपने AI मॉडल को, AI मॉडल हम लोग का एक फाइनल रिस्पांस जनरेट करेगा जो कि हमने कंटेंट प्रोवाइड किया था उस पे। आप ऑप्शनली चाहो तो इसमें खुद का भी आप नॉलेज की तरह डाल सकते हो कि AI रिस्पांस को अगर वैल्यूज़ के आंसर पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इससे पूछा कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, इन दैट केस अपने AI मॉडल को पता है कि भाई 8 सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, तो इन दैट केस अपना AI मॉडल फालतू का टाइम वेस्ट करने की जगह खुद से भी ऑप्शनल आंसर दे सकता है अगर आप ये फीचर ऐड करना चाहो तो। वरना अगर प्रॉपर आप वेबसाइट्स पे काम करना चाहते हो एकदम रियल टाइम डेटा पे तो इन केस आपको नहीं ऐड करना चाहिए ये फीचर। फॉर एग्जांपल मान लो अभी से जाके 10 साल बाद एक नोवा प्लैनेट ऐड हो जाता है, मतलब प्लूटो को छोड़ के कोई और ऐड हो जाता है, इन दैट केस अपना AI मॉडल गलत हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेब सर्च की यूज़ करें। उसके बाद फिर फाइनली जब हम लोग का ये हो जाएगा तो जो आज मेमोरी वगैरह मेमोरी सोर्स है उसकी साइटेशंस वगैरह वो हम लोग का मॉडल शो करेगा कि कहाँ कहाँ से इसने आंसर निकाला है, सोर्सेज क्या है इसके, और उसके बाद फिर ये हम लोग को रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट करके देगा। फाइनली जो आउटपुट है वो हम लोग को फॉर्मेट करके देगा ये दोनों का कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, और बाद में फाइनली आप चाहो तो इसको एज अ GUI इंटीग्रेट कर सकते हो जिससे कि अपना मॉडल थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, एकदम कूल सा परपेक्सिलिटी AI जैसा अपने को अच्छा खासा एक लुक मिल जाए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, और यही होने वाला अपना रोड मैप।
तो आप इसको बंद करते हैं और सबसे पहले हम लोग कोड से स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये देखो अपना मस्त एकदम प्यारा सा कोड है जिसको आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो खुशी खुशी, कोई रोकेगा नहीं आपको। बस थोड़ा सा मोनेटाइज लिंक है, थोड़ा सा मेरी मदद कर लो, थोड़ा सा अपना आप काम निकालो, सिंपल सा बात है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहो तो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कंसर्न, क्वेरी, एरर, बग्स कुछ भी है, आपको पर्सनली बात करना है, आप कुछ भी चाहो आप बात कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा टेलीग्राम का, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू माई बाकी सोशल मीडिया। तो चलो बहुत टाइम वेस्ट हम लोगों ने कर लिया, अब आते हैं इंपोर्ट्स पे। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे मॉड्यूल्स जो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसमें से आप ये देख के डर मत जाना कि मैंने OpenAI का यूज़ किया है, OpenAI पेड है। नहीं भाई, मैंने भी OpenAI यूज़ नहीं किया है, मैं आपकी अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, बेचारी गरीब ऑडियंस, हम भी गरीब, आप भी गरीब, तो इसलिए हम लोग ओपन सोर्स मॉडल्स का यूज़ करेंगे। बस मैंने OpenAI का बेस URL चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आप चाहो तो ओपन सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो OpenAI अच्छा, अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए एकदम बेस्ट, तो GPT-4 मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है कम्प्लीटली, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अभी बैक टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज API की। देख सकते हो इतने सारे API कीज वगैरह हैं जो आपको कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर आपको DeepSeek के API पे आना है, DeepSeek की API अगर आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, प्लेटफॉर्म DeepSeek.uses जो भी है, और आपको लॉगिन करने बोलेगा, पहले लॉगिन आप कर लो। उसके बाद आपको 9.98 मिलियन टोकन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पे आराम से 10 मिलियन टोकन्स इज मोर देन इनफ। आप उसके बाद अगर चाहो तो दूसरे जीमेल आईडी से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप आओगे API कीज में आके आपको अपने API की जो है वो जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली कमिंग टू सर्पर, सर्पर इज फॉर सर्चिंग द वेब, मतलब वही अपना वेब सर्च API जो है, जो आप वर्टेक्स की वेब स्काउट भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो, आई विल प्रेफर कि ये बेस्ट है, आपको 2500 वेब सर्च फ्री मिलते हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं प्रेफर करूँगा यही, मैं भी यही यूज़ करूँगा क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। तो यहाँ पे भी अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे, पहले लॉगिन करने गएगा, फिर आप API की पे जाके अपने API की जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। देन वी आर गोइंग टू कम विद ग्रॉक। ग्रॉक अगर आप कोई और, जैसे मैंने DeepSeek यूज़ किया, आप चाहो तो ग्रॉक यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाना console.grok.com.keys। पहले आपको लॉगिन करने कहेगा, फाइनली उसके बाद API की के ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे क्रिएट नी API की का ऑप्शन मिलेगा, आप क्रिएट कर सकते हो आराम से, खुशी खुशी आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप AI का यूज़ करना चाहते हो, आई विल कंसिडर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपको 10 रिस्पॉन्स पर मिनट का आपको रेट लिमिट है बस, और कोई रेट लिमिट नहीं है। आप 10 रिस्पॉन्स इज मोर देन इनफ भाई। मेरे को नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे, खुद आपको पढ़ने वगैरह में भी जो टाइम लगेगा ना भाई, 10 रिस्पॉन्स इज मोर देन इनफ। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाना, यहाँ पे पहले आपको वर्कस्पेस क्रिएट करना पड़ेगा लॉगिन करके, उसके बाद आप API टोकन जो है यहाँ पे आके एक्सेस कर सकते हो कम्प्लीटली अपॉन यू। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामेबल सर्च इंजन। आपको ये CX वैल्यू जो है, CX वेरिएबल की वैल्यू ये आपको मिल सकती है। आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे आ जाना है, पहले आपको डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा गूगल का। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन इनकेस अगर आप गूगल के डायरेक्ट सर्च इंजन का ही आप यूज़ कर रहे हो तब आपको यहाँ पर CX वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप जैसे ही इसमें क्या बोलते हैं इसको क्लिक करोगे तो एक URL विंडो ओपन होगा, उसमें आपको अपनी CX वैल्यू या फिर सर्च इंजन ID जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप दूसरा यूज़ करना चाहते हो रैपिड API, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सब ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ जो फ्री हैं, और भी पेड वगैरह भी हैं, जैसे आप बिंग का यूज़ कर सकते हो, बिंग पेड है पर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू। मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों अपनी API की दिखा दी, मैं चेंज कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो दैट्स इट हाउ इट विल वर्क। और आप चाहो तो वेबस्काउट भी यूज़ कर सकते हो, करेंटली वेबस्काउट यूज़ नहीं कर रहा है, वेबस्काउट जिनको नहीं पता वो अपने वर्टेक्स भाई का है, अपने भी रात्रि गए हो, तो आई डोंट नो व्हाई इन्होंने क्या बोलते हैं कल ही कमिट किया है March 24 को और March 25 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मे बी इनका वेबस्काउट का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो मे बी ये लोग ठीक कर देंगे मतलब वेब सर्वर का, तो आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस ऑल द API कीज मेंशन्ड इन द वीडियो। तो ये देख सकते हो मेरा असली, मैंने सारी API की जो इसमें स्टोर की है, फॉर्मेट यही होने वाला है, बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ है API कीज की मैंने नीचे डाल दी है। तो यहाँ पे CX मैंने बताया था, सर्च इंजन ID, सर्पर अगर आप यूज़ करोगे तो सर्पर यूज़ करना, अगर गूगल सर्च यूज़ करोगे तब आपको CX डालने की जरूरत है, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे 4 ओपन ऑप्शन है, DeepSeek, लैपटॉप, ग्रॉक, OpenAI। आप और एक्स्ट्रा भी चाहो आप हगिंग फेस यूज़ करो, मैंने कहीं नहीं रोका भाई आपको, वैसे बता रहा हूँ कि OpenAI के फॉर्मेट में ये 4 जो है मुझे अभी मिले हैं जो कि बेस URL चेंज करने पे काम करते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ क्योंकि मेरी सारी API कीज इसी में है। नाउ कम टू द पार्ट की अपनी एंड पॉइंट्स। देखो ये है अपनी सारी एंड पॉइंट, मैंने बताया था कि अगर आप बिंग की सर्च AI यूज़ करोगे तो यहाँ पे फिर आपको बिंग की भी API की जरूरत पड़ेगी। तो बिंग की अगर आप यूज़ करोगे तो दिस इज द एंड पॉइंट, सर्च API की यूज़ करोगे तो ये है आपका एंड पॉइंट। फ्री में अगर आप देखोगे तो दैट इज सर्पर और गूगल सर्च। सर्पर आपको 2500 रिस्पॉन्स देता है फ्री में, और गूगल आपको 100 रिस्पॉन्स देता है पर डे का, आई थिंक सो। तो गूगल इज़ फार बेटर, बट यही है कि सर्पर इज़ द बेस्ट इन द फ्री।
तो आपको जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हो। बाद में आप ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो कि आपको सर्च रिस्पॉन्स कैसा चाहिए। रेफरेंस काउंट इज समथिंग कि आप कितना सोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था परपेक्सिटी के कि उसने अप्रॉक्स 20 सोर्सेज जो है वो एक्सट्रैक्ट किए थे। तो आप जितना चाहो उतना आप सोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट डजंट काउंट इन द रेट लिमिट्स कि कितना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आप जितना चाहोगे वो एक बार में बताएं। अगर आप एक भी सर्च करते हो एक बार में तो वो एक का काउंट होगा। चाहे 10 सर्च करो चाहे एक सर्च करो एक ही काउंट होगा। नाउ दिस इज़ द डिफॉल्ट सर्च इंजन टाइम आउट कि इतना से ज़्यादा अगर टाइम लगता है मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब है या सर्च इंजन खराब है वो आप देख सकते हो, आपके ऊपर है कंप्लीटली। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉम्प्ट्स, दिस इज द पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने एआई मॉडल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप फीड करवा रहे हैं कि क्या करना है भाई, उसको क्या नहीं करना है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, अच्छे से टाइम लेके आप पढ़ सकते हो क्या है। मैं आपको बस बेसिक समरी बता दे रहा हूँ कि दिस इज द, अगर आप रैग यूज़ करते हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हो, रैग नहीं यूज़ कर सकते हो तो हटा सकते हो। बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे को आंसर दे और बेस्ड ऑन द साइटेशन जो मैंने बताया था कि सोर्सेज मेंशन करें कि इसने कहाँ से सीखा, कहाँ से क्या उठाया है, कहाँ से इसको क्या बोलते हैं उसको समरी जनरेट किए, वो सब का मुझे साइटेशन जो है चाहिए। इनकेस अगर साइटेशन एक से ज़्यादा है तो वो मेरे को सारे साइटेशन मेंशन करेगा, ऐसा मैंने इसको कहा है। और बाद में मैं इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट दिस इज द आउटपुट जो मेरे को यहाँ से एंड पॉइंट से मिलेगा। और फाइनली दैट्स इट। स्टॉपवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं कि कौन सा आपका इनकेस अगर कुछ आपको ऐसा आउटपुट मिल जाता है जो कि नहीं आना चाहिए एक रीडेबल फॉर्मेट में, इन दैट केस अपना एआई मॉडल जो है वो स्टॉप कर जाएगा। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप डिफरेंट एआईज यूज़ कर सकते हो तो डिफरेंट एआईज के डिफरेंट यहाँ पे स्टॉपवर्ड्स होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे आइडलाइज करते हो। दैट्स इट। और यहाँ पे मोर क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट है कि जब रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग को जनरेट होंगे उसके लिए बेसिकली क्या आप कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मेट 1, 2, 3। आप जैसा चाहो इसमें वैसा आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप इसका फॉर्मेट चाहो तो खुद से चेंज कर सकते हो, मेरे को जैसा ठीक लगा मैंने उसको यूज़ किया। इसका भी समरी यही है कि मेरे को 20 वर्ड्स के अंदर मेरे को यहाँ पे ये जनरेट करके देगा और बिल्कुल अच्छे से जनरेट करके देगा और इसका फॉर्मेट ये होने वाला है। और बाद में इसको मैं कॉन्टेक्स्ट डाल दूंगा, यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ इससे उठाया है अभी अपने सर्च इंजन से। और फाइनली यहाँ मैंने इसको खोल दिया है कि यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन जो है मैं इसको पास आउट कर दूंगा। तो दिस इज़ अ बेसिक, वेरी वेरी बेसिक पार्ट जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अब आते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। यहाँ से अपना मेन दिमाग खराब करने वाली बात शुरू होती है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से समझे हुए जाओगे आप। अब देखो यहाँ पे वेब सर्च फंक्शन में मैंने यहाँ पे 4 बनाए हुए, या तो आप सर्पर यूज़ करोगे या तो गूगल यूज़ करोगे, आपके ऊपर है, मैं आपको कहीं पे भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैं सर्पर की आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो ये सर्च करेगा अपने क्या बोलते हैं सर्पर API से। रेफरेंस काउंट आप जितना दोगे उतना वो सर्च करेगा। क्वेरी आप जो डालोगे यहाँ पे आप फंक्शन में देख सकते हो, ये सब है आपके। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की और प्रिंट्स मतलब है कि अगर आप चाहो तो वो वैल्यू प्रिंट कर सकते हो जो इसने सर्च किया है, मतलब वही जेसन फॉर्मेट। तो मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो उसको ट्रू भी कर सकते हो। तो एक क्वेरी सर्च करेगा, बाद में ये हेडर्स में ये सब डालेगा, ये सब उसका तरीका है। एंड फाइनली इट विल प्रिंट द जेसन कंटेंट्स अगर आप प्रिंट करते हो, नहीं तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट एवरीथिंग का, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब देखो ये जो फॉर्मेट है आपका हर जो ये मॉडल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे देखो अपने पास बहुत सारे बिंग है, सर्च API है, सर्पर है, गूगल सर्च है, और भी बहुत सारे वॉर्टेक्स वगैरह भाई के भी वेब स्काउट है, रैपिड API का भी है। हर किसी का जेसन फॉर्मेट में आंसर देना अलग होता है। अपने को जो आंसर चाहिए वो एक फॉर्मेट में चाहिए ताकि हम लोग जिस भी API का यूज़ करें उससे हम लोग कर सकें। फॉर एग्जांपल जो आपको नॉर्मल जेसन मिलेगा, दिस इज़ द नॉर्मल जेसन, कि आपको जो सारी वैल्यूज़ वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट करके मिलेंगी, जो कि अपने को नहीं चाहिए भाई इतना। अरे मैंने क्या किया, इतना फालतू का जो डेटा वगैरह है ये सब मैं लेके क्या करूँगा, पोजीशन क्या आ रहा है इसका, टाइटल क्या है इसका, मैं कोई मतलब नहीं है भाई इससे, मेरे को बस यही चाहिए लिंक और स्निपेट, पोजीशन वगैरह ये सब लेके क्या करूँगा मैं। साथ ही साथ ये सब इतनी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह लेके मैं क्या करूँगा, मेरे को कोई काम नहीं है, मेरे को जो क्वेरी सर्च की उससे रिलेटेड बस आंसर चाहिए। तो दैट इज़ वाई हम लोग फॉर्मेट करेंगे इसमें, कि अपने को देखो मैंने इसमें सिर्फ नेम, URL और स्निपेट, जितने भी हम लोग की डिटेल्स थी उसमें से मैंने बस इतना पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हम लोगों ने बेसिकली यही किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पार्ट जो है यहाँ पे आप देखो कन्वर्ट कर रहे हैं कि बिंग और गूगल फॉरवर्ड, बिंग और गूगल आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देता है, इसलिए आप बाई डिफॉल्ट जो है इसमें मैं सिलेक्ट करके पहले जो मेरा आउटपुट आएगा रेफरेंस काउंट जितना है उतना का मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर 10 है तो मेरे को 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, नॉट दिमाग खराब करने वाला कोई बात। तो ये रन हो चुका है। और अगर आप चाहो तो गूगल का भी मैं दिखा देता हूँ, उसको मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि तुक नहीं बनता, ये रन कर सकता हूँ भाई, मेरे पास रैम इतना है कि ये फालतू का चीज़ भी रन कर सकता है। दैट्स इट, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की और CX वैल्यू भी आपको डालनी है। मैंने बिंग वगैरह का एग्जांपल नहीं दिखाया क्योंकि उसका API की पेड होता है और मेरे को कोई शौक नहीं है पेड चीज से खेलने का, ठीक है। तो दैट्स इट, मैंने इसको भी रन कर दिया। नाउ दैट्स इट कि अपना साइटेशन नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा। जब अपने को एक सेंटेंस मिलेगा उस सेंटेंस में आपका साइटेशन 1, साइटेशन 2 जिस फॉर्मेट में मैंने बताया था प्रॉम्प्ट में उस टाइप से लिखा रहेगा। तो हम लोग RE मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और उस पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाद में उस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी अपने सोर्सेज हैं वो हम लोग सर्च करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। दैट्स इट, इसको भी मैं रन कर देता हूँ, आगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड दिस इज फेच जेसन एट्रीब्यूट्स,
देखो अपनी जो भी ये आंसर आ रहा है फॉर्मेटेड में, इसमें देखो तीन पार्ट्स है, नेम, यूआरएल, स्निपेट। हम लोग क्या काम करेंगे कि जितने भी अपने जेसन में नेम्स है उसको एक लिस्ट में, जितने भी यूआरएल्स है उसको दूसरे लिस्ट में, और स्निपेट्स को तीसरे लिस्ट में, ताकि हम लोग हर किसी को कैटेगराइज कर सके, अपने लिए भी ईजी रहेगा और अपने मॉडल को भी समझने में ईजी पड़ेगा। इसलिए हम लोग यही सेम चीज़ करने वाले हैं। नाउ कम्स द एपीआई मॉडल, एआई मॉडल एपीआई इंटीग्रेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। एंड दैट्स इट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक क्लास बनाई है एआई जिसमें कि चार चीज़ें हैं, डीपसीक, लेप्टन, ग्रॉक, ओपनएआई। आपके पास अगर पैसा है तो आप ओपनएआई की GPT-4 मॉडल यूज़ कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट। बट स्टिल ऐसा मैं कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं, आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका टास्क बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दे देंगे, आपको कमी नहीं महसूस होगी ओपनएआई की। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने DeepAI यूज़ किया, डीपसीक यूज़ किया, अब देख सकते हो मैंने क्लाइंट ओपनएआई यूज़ किया, बस इसका बेस यूआरएल मैंने चेंज कर दिया है और एपीआई की जो है वो चेंज कर दी है मैंने, और फाइनली यहाँ पे रोल वगैरह मैंने इसको दे दिया है डीपसीक चैट का। आप चाहो तो कोड भी डाल सकते हो, यहाँ पे दो मॉडल्स हैं इसके, आपके ऊपर है टोकन्स, टेम्परेचर, सब कुछ आप डाल सकते हो। एंड फाइनली जो अपना रिस्पांस आएगा वो रियल टाइम में प्रिंट होगा, आप उस रिस्पांस को चाहो तो उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, रिटर्न कर देगा वो कंप्लीट रिस्पांस, आपके ऊपर है कि उसमें खेलना चाहो, जो करना चाहो आपके ऊपर। सिमिलरली लेप्टन भी सेम काम करता है, यहाँ पे ओपनएआई वगैरह 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 सेम चीज़ है, बस यहाँ पे मैं बेस यूआरएल चेंज कर रहा हूँ और एपीआई की चेंज कर रहा हूँ मैं, और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। मॉडल जितने भी लेप्टन एआई पे अवेलेबल है आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने बताया था दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको 10 रिस्पॉन्स पर मिनट का रेट लिमिट है जो कि बिल्कुल अच्छा है, पर्सनल यूज केस के लिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो दैट्स इट, लेप्टन भी अवश्य ही है, ग्रॉक भी सेम केस है। ग्रॉक में देखो मैं भी ललामा यूज़ कर रहा हूँ, मिस्टल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वाई, बट मिस्टल काम नहीं कर रहा है ग्रॉक पे, ठीक है, मे बी उन लोगों का सर्वर डाउन होगा, कुछ दिक्कत होगी, आई डोंट नो, तो देयरफॉर आई एम यूजिंग ललामा। आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको फास्टेस्ट इंफ्रेंस देगा और आपको 100 रिस्पॉन्स पर मिनट का कुछ ऐसा रेट लिमिट है, तो ये भी आप डाल सकते हो, पर इसका टोटल लिमिट 14,000 का है, कि 14,000 से ऊपर आप क्वेरी नहीं कर सकते हो एक दिन में या एक महीने में, एक सप्ताह में, कितना आई डोंट नो। सिमिलरली ओपन एआई दिस इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पे आप जो चाहो, यहाँ पे मैंने सॉरी लिखना भूल गया, मॉडल यहाँ पे GPT-4 होगा, आप GPT-4 प्रीव्यू करके जो भी इसका मॉडल का नाम है वो आप कर सकते हो, यूजर सिस्टम वगैरह सब कुछ आप लोग डाल सकते हो, आपके ऊपर है कंप्लीटली, दैट्स इट। तो आई होप से यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। फंक्शन कॉल देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे तीन पार्ट है, गेट रिलेटेड क्वेश्चन, जनरेट आंसर, जो हम लोग का मेन चीज़ है, और फाइनली ये दोनों को हम लोग एक पार्ट में स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट। गेट रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हमने डाला था, जैसे कि मोर क्वेश्चन का जो प्रॉम्प्ट था उसको फॉर्मेट कर रहा है, और जहाँ पे कंटेक्स्ट का पार्ट था, कंटेक्स्ट में ये जितने भी वैल्यूज हम लोगों ने उठाई है कंटेक्स्ट से, कंटेक्स्ट इज नथिंग बट अपना सर्वर एपीआई जो जेसन रिस्पॉन्स देगा उसी को कंटेक्स्ट हम लोगों ने स्टोर किया वेरिएबल में, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर देंगे कंटेक्स्ट में, अपनी सारी वैल्यूज वो आ जाएंगी। इसको मैंने रन कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट जनरेट आंसर, जनरेट आंसर में हमने यही किया कि अगर इनके क्वेरी में कहीं पे भी इंस्ट ये सब जनरेट हो जाता है रिस्पॉन्स में तो उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि एआई मॉडल ऑफ कोर्स आप जानते हो जनरेट कर सकता है। सो वही सिस्टम प्रॉम्प्ट हम लोग रैक करी जो मैंने टेक्स्ट डाला था उसमें भी जहाँ पे ये कंटेक्स्ट का पार्ट था जो कि हम लोगों ने स्टोर किया था वहाँ पे साइटेशंस वगैरह जो है वो प्रिंट कर देगा, जिसकी वजह से अपना मॉडल को समझने में थोड़ा ईजी रहे। एंड फाइनली हम लोग को रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके दे देगा। आप यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉक का यूज़ किया क्योंकि ग्रॉक फास्टेस्ट इन्फ्रेंस देता है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए, ओपनएआई वगैरह जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, मैं ग्रॉक का यूज़ करूँगा बिकॉज आई लाइक ग्रॉक और अच्छा चलता है भाई। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, यहाँ पे अपना मेन पार्ट अपने को बस रन करना है और अपना आंसर जो है जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हो क्वेरी है, कंटेक्स्ट है, यूआरएल है, यूआरएल्स इज नथिंग, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट हम लोग इसको फीड कर देंगे ताकि हम लोग बाद में साइटेशन वगैरह जब शो करें तो अपने को थोड़ा ईजी पड़े और मॉडल को भी थोड़ा ईजी पड़े समझने में। तो फर्स्ट अपना मॉडल सोर्सेस प्रिंट करेगा, फिर आंसर जनरेट करेगा, उसके बाद फिर हमने रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो प्रिंट करेगा, दैट्स इट। इसको भी रन कर देते हैं और फाइनली अपन रिजल्ट देखते हैं। जैसे मैंने से पूछा है हु वन द मैच बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके इन द लेटेस्ट आईपीएल, मतलब वो जो 22 मार्च 2024 को हुआ था उसमें सीएसके जीती थी, और इसमें मैंने से पूछा है कि मेरे को थोड़ा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है और क्या क्या हुआ मैच में वो भी मेरे को जनरेट करके दे। तो अभी मैं इसे देखो कंटेक्स्ट में पहले अपना सर्वर एपीआई जो है वो सारा कुछ स्टोर कर देगा और फाइनली अपना नेम यूआरएल स्निपेट जो है उस जेएसओन फाइल से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.3 सेकंड का टाइम लिया है विच इज़ परफेक्ट, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च इंजन को आप टाइम दे सकते हो। एंड फाइनली जो है हम लोग मेन जो है अपना यही सब प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ देखो इसने पहले मुझे सोर्सेस प्रिंट करके दिया है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ग्रॉक जो है वो आंसर जनरेट करके दे रहा है। इसमें देख सकते हो इसने लिस्ट किया है साइटेशन 6, साइटेशन 7, साइटेशन 1, 2, 3, जहाँ जहाँ से इसने आंसर उठाए हैं, इतने सारे मेरे पास टोटल 8 साइटेशन है। अब देखो डिपेंड करता है कि ग्रॉक का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, अगर ग्रॉक का मैं मिस्टर मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स इसे बेटर रिस्पॉन्स मिलता मेरे को। तो मैं आपको डीपसीक एपीआई का भी दिखा दूंगा कि ऐसे डीपसीक एपीआई थोड़ा अच्छा काम करता है। एंड फाइनली हम लोग को लिस्ट करके देगा कि साइटेशन 4, 5, 6 का ये पे क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये मैंने बैकएंड में दिखाने के लिए लिया है। अगर आप इसको जीयूआई में रन करोगे, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ देखोगे इसमें जब साइटेशंस आप रन करोगे तो दिस इज हियर ओनली, यहाँ पे अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे को उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा जो इसका सोर्स है। तो इसलिए ये साइटेशन ये पार्ट जो है सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि आपको समझ आ सके कि काम क्या कर रही है।
असली में जब हम लोग करेंगे तो इसको एक बटन बना देंगे साइटेशन को, जो कि जैसे ही क्लिक करें तो इस वेबसाइट पे हम लोग का रिडायरेक्ट हो जाए असली में, मतलब ये बैकएंड वैसे दिखाने के लिए। उसका ये अपना रिलेटेड क्वेश्चन है, आई डोंट नो वाई इसने दो बार प्रिंट कर दिया है, मे बी शायद ललामक थोड़ा ज़्यादा समझ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हो इसने मुझे रिलेटेड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन प्रिंट करके दिए। हु वॉज द स्कोर ऑफ क्या, वॉट वॉज द स्कोर ऑफ द मैच ऑफ इन सी एस के अगेंस्ट, जो भी है वो, और ये मुस्तफ़िर रहमान ने कितना विकेट लिया है मैच में, वो सब वगैरह वगैरह है। और देख सकते हो रिस्पॉन्स भाई, इसने सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे बता दियो कि आईपीएल का विनर कौन है, इसने मुझे और भी बताया कि 34 रन शिवम दुबे ने बनाए, उसके बाद और विराट कोहली ऑफ आउट प्लेसेस क्या क्या किए, मतलब वो सब कुछ बता रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे बेसिक उसने बता दिया कि कौन जीता, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जितना आप सोर्सेस को डालोगे जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। अपने को यहाँ पर रैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर पर ही पे आपको बाय डिफॉल्ट अच्छा रिस्पॉन्स आपको जनरेट करके दे देता है जो मेन टॉपिक है, और बेस्ड ऑन दैट आपका मॉडल उतना केपेबल है कि वो आंसर जनरेट कर देगा। अब चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ कोई और रिस्पॉन्स लेके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ्टन का यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे दोनों जगह चेंज कर दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं फाइनली। तो ये ऑफकोर्स ग्रॉक से रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो मिलेगा, क्योंकि ग्रॉक इज द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये मिस्ट्रल का मॉडल यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा से काम किया। और इसका आप देखोगे रिलेटेड क्वेश्चन में, तो इसने मुझे 3 ही क्वेश्चन दिए, अनलाइक ललामा जो कि बहुत बकवास काम करता है आई नो। तो देख सकते हो कितना अच्छा से काम किया ये। आई विल हैव टू से कि हम लोगों ने एक मस्त परफेक्टिटी एआई बना दिया। अब देखो अगला टॉपिक जो होगा, अगला टॉपिक मैं यूज़ करूँगा कि कैसे हम लोग जार्विस को क्या बोलते हैं परफेक्टिलिटी एआई से लिंक कर सके, जिसके वजह से परफेक्टिलिटी एआई की वजह से हम लोग का मॉडल रियल टाइम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। तो अपने पास ओपन, मतलब अपने पास क्या बोलते हैं वेब का एक्सेस हो जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ GPT-4 वर्क्स। GPT-4 कोई अलग तरीका से काम नहीं करता है, मैं दिमाग को बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहा है। बिंग भी सिमिलर काम करता है, बिंग स्क्रैप करता है आपका सारा डेटा API, मतलब क्या बोलते हैं वेबसाइट से, और GPT-4 भी शायद वही काम करता होगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और देखो यहाँ पे ये हो गया बैक एंड, अब आते हैं फ्रंट एंड के पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देखो कि मैंने UI पे एक फोल्डर बनाई हुई है, ठीक है, उस UI पे अभी मैं CD करके UI पे ही हूँ, और इसमें अगर मैं लिखता हूँ NPM run dev, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा NPM जो स्टार्ट हो चुका है। जिनको नहीं पता NPM स्टार्ट फॉर React, तो React की अगर फाइल आपको रन करनी है तो ऐसे ही रन करना पड़ता है। तो मेरी मेन ऑडियंस पाइथन की, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ये सबका। तो अभी देख सकते हो मेरा यहाँ पे लोकल रिसोर्स, लोकल होस्ट 3000 पे मेरा जो साइट है वो ऑन हो चुका है, और बेसिकली अभी ये कंपाइल करेगा, क्योंकि इसमें अराउंड 21,000 फाइल है, ठीक है, 21,000 फाइल पहले ये कंपाइल करेगा, सब कुछ को एक साथ करेगा, उसके बाद फाइल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंपाइल्ड, मेरा साइट फिर लाइव हो जाएगा, और तब आप देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंपाइल हो चुका है, एवरीथिंग इज नाइस, और यहाँ पे मेरा लोड हो चुका है। देख सकते हो इतना प्यारा इंटरफेस है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कुछ भी, हुज़ इंसर्टेड लॉन्ग लिव प्रॉस्पर, मतलब वो पहले से रिस्पॉन्स है कि डिफॉल्ट पर आप क्या डाल सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को इस पर क्लिक करूँगा तो मस्त मेरा इंस्टाग्राम खुल जाएगा। जस्ट प्रमोशन है गाइज, आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, एक मेरा ये है और दूसरा एक और अकाउंट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में से जो चाहो, ये मतलब कह लो ये चैनल का अकाउंट है और एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप जहाँ चाहो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दो कम्प्लीटली अपॉन यू। और उसके बाद टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे आना, मस्त टेलीग्राम को खोलना, जो करना आप कर लेना, आपके ऊपर है भाई, मैं कहीं आपको फोर्स नहीं कर रहा। और यहाँ पे सिंपली अपना ये होने वाला है, अभी ये उतना अच्छे से लिंक नहीं है, ये ओपन सोर्स एक है, पता नहीं मैं नाम भूल गया, ओपन सोर्स है, तो उसका ही मैंने थोड़ा सा उठाया यहाँ पे, और मेरा इतना कोड नहीं लिखा हुआ, आई एम नॉट वेरी गुड एट रिएक्ट, सो कोई बोल रहा होगा कि मैंने कॉपी किया है, भाई मैंने ओपन सोर्स से ही कॉपी किया है, ओपन सोर्स इज़ फॉर मी, ठीक है, तो मैंने उसका यूज़ किया है, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इसको मैं कुछ लिखता हूँ हेलो, उसका सर्च करूँगा तो वो लिंक नहीं है अभी, इसलिए काम नहीं करेगा, पर अगर आप बोल रहे अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अगर लोग सपोर्ट करते हैं तो ना मैं वीडियो बनाऊँ भाई, फालतू की मेहनत करके मैं क्या कहूँगा, आखिरी के पिछले 2 वीडियो जो है उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, इसलिए बताना जैसा आप बोलोगे वैसा अगला वीडियो में डालूंगा, तो या तो वो रहेगा कॉल फंक्शन पे, उसका मैंने डाला हुआ कम्युनिटी पोस्ट पे कि क्या क्या उसमें इंक्लूड किया मैंने, और उसके बाद फिर एक और यही कि कैसे आप जार्विस को वेब का एक्सेस दे सकते हो, दैट्स इट। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।